सो गाइस, काफ़ी रिसर्च करके मैं आज आपके लिए एक बढ़िया डैश कैमरा अच्छे प्राइस सेगमेंट में ले आया हूँ। हमारा ये 3500 रुपये का डैश कैमरा जो कि पूरी हमारी रोड प्रेजेंस से लेके लाइव ट्रैकिंग तक रिकॉर्ड करता है। इस वीडियो में मैं कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये क्यूबो का डैश कैमरा जो मैंने शॉर्टलिस्ट किया अपनी कार में लगाने के लिए। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा मेरे पास इंस्टा पे DM आ रहे थे रोड सेफ्टी को लेके कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। उसका वन ऑफ द इक्विपमेंट है यतिन जोगी नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये वीडियो डिमांड की है, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई गई है। बाकी गाइज, ये एक क्यूबो का हमारा जो डैश कैम है काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ मिल रहा है। बेसिकली जब भी हम रोड पे जा रहे हैं ये डैश कैमरा इंपॉर्टेंट क्यों है, कहीं कभी हमारी कार वगैरह लग जाती है, अगले की गलती होती है तो वो चीज़ें ये रिकॉर्ड कर लेता। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी है, मैंने काफ़ी सर्च करी है, ये HD कैमरास काफ़ी क्लेम करते हैं बट वो HD निकलते नहीं हैं। इसके रिव्यूज़ वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे इसके। सो मैंने ये वाला सोचा कि एक बारी मंगा के इसका असली रिस्पांस चेक करते हैं। मैं वीडियो में आपके रिस्पांस तो दिखाऊंगा बट ये सही में HD हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो कर रहा। और इसमें एक डिसएडवांटेज है कि ये हमारा जो डैश कैम हमने ले लिया, हमें मेमोरी कार्ड अलग से हमें परचेज़ करना पड़ता। तो गाइस, हमने 3500 का ये ऑर्डर कर लिया था। अब इसको फटाफट अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें निकलती है हमारी। ये इसकी एक सील देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर के सामान की छेड़छाड़ ना की हो, डुप्लीकेट ना डाल दियो, ये आपने ज़रूर चेक करना सील लगी हो, नहीं तो अपना ऑर्डर वापस दे दो। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले एक बार कोड मिलेगा जो कि हमारी जो वारंटी है बेसिकली उसको स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट शीट है ये जो हमारे जहाँ हमने ये शील्ड पे लगाना है हमारा ये वाला डैश कैम, ये वहाँ पे लगेगी। उसके बाद डैश कैम कुछ ऐसे करेगा हमारा, वोली साइड से हमारा पील करके हमने लगा लेना क्यूबो डैश कैम। एक चार्जर है इसमें, इसकी बैक साइड पे देख सकते हैं इसमें माइक्रोफोन भी है, कैमरा भी है, हर एक चीज़ है इसमें, आपकी वॉइस वगैरह भी रिकॉर्ड होगी। ये कैमरा हम बाद में लगाएंगे, पहले जहाँ ये फिट होना ये अभी जो प्लास्टिक पार्ट मैंने साइड किया था वो वाला पहले पेस्ट कर देंगे। पावर ऑन का बटन है और उस साइड पे आपको मैं दिखाता हूँ, एक तरफ लगेगी हमारी इसमें इनपुट जहाँ पे हमारा करंट जाएगा। करंट कैसे जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ एक चार्जर मिला गया जो कि हमारे कार के 12 वाट के सॉकेट्स में जाएगा। क्यूबो का हमारा ओरिजिनल चार्जर आया, काफ़ी क्वालिटी इसकी डिसेंट है, इतनी बढ़िया क्वालिटी इस प्राइस रेंज में मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। उसके बाद ये भी हमारा सिंपल पेस्ट करने के लिए काम आएगा। आप बाकी वीडियो से बने रहिए, अब मैं इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर करूँगा कि कैसे इंस्टॉल करना है अपनी कार में। बाकी गाइस, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट जाके आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सो इसके अपन नीचे चेक करेंगे हम क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। आई होप इसके नीचे ये वायरिंग ही है, मैंने यही गैस किया था कि प्रॉपर इसके साथ वायरिंग दी गई है जो हमारे ऊपर डैश कैम से कनेक्ट होएगी और नीचे हमारे चार्जर में लगेगी। ये हमारी बेसिकली अटैचमेंट की एक टूल इन्होंने दिया हमें, प्लास्टिक शीट में हमने यहाँ पे लगाना है डैश कैम, वहाँ हमने लगा लिया। इसको सिंपली फ़ोन पे जैसे हम टेम्पर लगाते हैं वैसे लगेगी। उसके बाद एक पिलर अपनी कार का आप साइड से उतार सकते हैं जहाँ से हम ऊपर से वायर डालेंगे, जो इसकी रूफ होगी हम रूफ से वायर निकालते हुए नीचे तक डैशबोर्ड खोल के वहाँ से वायर डाल देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमने डैशबोर्ड खोल लिया, ऊपर वहाँ से पिलर हटा के नीचे हमने ये वायर डाल लिया। ऊपर से अब ये वायर हमने एडजस्ट करते हुए यहाँ पर हमारा पावर का सॉकेट है यहाँ पर लगानी है। ये वायर बेसिकली आप इजीली डैशबोर्ड के अंदर से भी लेके जा सकते हैं बट परफेक्शन के लिए ये मैंने डैशबोर्ड के अंदर से निकाली है। जो एक्स्ट्रा वायर हमारे पास स्पेयर वायर बचेगी उसको हम कुछ इस तरीके से जोड़ के इकट्ठा करके इन साइड पर रख देंगे। ये ऐसे कोई वायर वगैरह हमारा हार्म नहीं करेगी बट मेक श्योर ये कहीं दूसरी वायर्स को खींच ना रही हो या कुछ ऐसे अपने वायर जैसे छेड़ी हैं कोई खींचा जानी ना हो रही हो पूरे कनेक्शन में। सिंपली इसके साथ एक हमारा बैंड सा आता जो वायर टाइट करके बंद कर देता है, हमने उसके साथ ही लगा दिया। तो एक बार ये वाला प्रोसेस हो जाए उसके बाद हमने सिंपली प्लग एंड प्ले करना, बहुत ही इजी है इसको इंस्टॉल करना घर पे अपने आप ही। मारुति सुजुकी की जो न्यू फ्रॉन्क्स आई है उसमें इंस्टॉल किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा चार्जर और ये जो वायर है हमारी मैंने ये नीचे से निकाल दिया परफेक्शन के लिए ताकि हमारी जो लेग रूम है उसमें कोई वायर वगैरह ना आए हमारी। आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा डैशबोर्ड उतार के अंदर ऐसे वायर लगा के फिर अपना डैशबोर्ड ईजीली लगा लें। डैशबोर्ड भी बस हमने ऐसे करके रखना, ऊपर पीछे लॉक्स होते हैं उसमें फंसा के हमारा डैशबोर्ड लग जाता है सिंपली। ये पीछे आप देख सकते हैं, इस पर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा डैशबोर्ड कैसे खोलना है अपनी कार का। सिंपली ऐसे करके लग जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा हमें फोर्स लगाना होगा लॉक्स में बिठाने के लिए। ये भी हमारा लग नहीं रहा, इस जगह पर हमारे लॉक्स होते हैं लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी, दोनों साइड पर हमने लॉक्स देखने हैं एंड इसको ईजिली फंसा देना। ये लॉक्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल
टॉप एंड पे हमारे लॉक्स होते हैं, कुछ इस जगह पे ऐसे के लॉक्स हैं, दो हमारे नीचे को फंसेंगे, ये जो बैक साइड पे ऐसे करके हमारा फंस जाएगा। उसके बाद हमने ऊपर वाले फंसाने हैं, ये हमारे पीछे से फंस गए और ऊपर हमने फोर्स लगा देना, वो अपने जो इसकी फिटिंग होगी उसमें लग जाएंगे। सिंपल है बिल्कुल लगाना, ये हमारा लग गया डैशबोर्ड, बस ऐसे लग जाएगा। उसके बाद जो हमारी यहाँ नीचे की वायरिंग थी, बस इतना ही काम है, डैश कैम लगाने की वायरिंग बस इतनी ही है, इसमें और कोई हमने पावर इनपुट नहीं देना। सो ये हमारा डैशबोर्ड नहीं लगा अभी ढंग से, चलो मैं बाद में लगा लूँगा, आपको भी मैं मेन चीज़ दिखाता हूँ। नीचे से जो हमारा पावर इनपुट आ रहा था वो हमने ऊपर लगा लिया हमारे डैश कैम में, और ये डैश कैम हमने सिंपली बस पेस्ट किया उसके ऊपर। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, ये जो हमारी अब एक वायर आ रही है इसको हमने रूफ के ऊपर जो हमारी जगह होती है वहाँ पे हल्की हल्की करके डाल लेना, कोई बड़ा टास्क नहीं है इसको लगाना, बस बेसिकली हमने वायर सी हाइड करनी है इसमें। जैसे कार में हम अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, वैसे हमने डैश कैम को एक तरीके से चार्जिंग पे लगा दिया। और ये डैश कैम की एक खासियत है कि इसकी पावर हम अगर आउट कर भी दें तो उसके भी काफ़ी देर तक ये चलता रहता, रिकॉर्ड करता रहता, क्योंकि इसमें कैपेसिटर्स लगे हुए हैं जो कि इसको पावर करते हैं, पावर ऑफ होने के बाद भी थोड़ी देर तक। और इसमें हमारी वॉइस रिकॉर्ड भी होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, HD वीडियो रिकॉर्डिंग कंपनी ने जो क्लेम करी है, मैंने भी चेक करी है, मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे वीडियो का रिस्पॉन्स। सो एक बार ये हमारी वायर अच्छे से हाइड हो जाएँ, ये ऊपर वाली साइड पे अपने यहाँ से वायर डालनी शुरू कर देनी है, बस आपकी जो वायर्स हैं यहीं से दिखेंगी। और ये पिलर से जो हमारी वायर नीचे जा रही है, हल्का हल्का इसको सेट कर लेना और पिलर लगा देना वापस से। पिलर में दो तीन लॉक्स होते हैं, उन लॉक में फंसा के बस इसको पुश कर देना। उसके बाद जो हमारी ये बीडिंग हमने थोड़ी सी उतारी होगी, ये बीडिंग भी वापस लगा देनी है, इसको हल्का सा पुश करना ही पड़ेगा लॉक्स बिठाने के लिए। सो डैश कैम हमारा लग चुका है, कुछ ऐसे की इसकी इंस्टॉलेशन रहेगी और ये एक रेड लाइट चलेगी, इंडिकेट करेगी कि हमारा डैश कैम वर्किंग है। सिंपली हम मेमोरी कार्ड डालेंगे, मेमोरी कार्ड में प्रॉपरली रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब इसको फ़ोन पे कैसे चलाना, फ़ोन पे चलाने के लिए सबसे पहले क्यूबो का हमने ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद उससे हमने कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई आपका ऑन हो जाएगा जब आप ये कनेक्ट करोगे। भाई डेट और रियल टाइम आपको मैं शो कर रहा हूँ, 24th मार्च, ये हमारे रात के 10 बजे की कुछ ट्रिप है। अब वीडियो कैसी शो हो रही है मैं आपको वो दिखाता हूँ। कनेक्शन इन प्रोग्रेस है, अभी ये हमारा कनेक्ट हो गया। अब इसकी ये कुछ ऐसे का रिस्पॉन्स रहा है वीडियो का, प्रॉपर टाइम डेट हर एक चीज़ आ रही है, 180 डिग्री का इसका रिस्पॉन्स है। ये नाइट का रिस्पॉन्स है, बिल्कुल रात का, कुछ ऐसे का इसकी जो वीडियो क्वालिटी रहेगी, क्यूबो का नीचे लोगो शो होएगा, प्रॉपर एक हमारा CCTV कैमरा जैसे होता है वैसे शो हो रहा है। विजिबिलिटी अपने कार के अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इसके साथ साथ इसमें एक और फीचर जो मिलता है वो रहता है माइक का, कार कैबिन के अंदर जो भी बातें वगैरह कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं इस वाले डैश कैम से। सो गाइज, इसका जो रिस्पॉन्स था 3500 की एक प्राइस रेंज में वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था, और आप डैश कैम्स देखोगे काफ़ी ज़्यादा इनका बजट जो एक्सीड करता है, नेवर एंडिंग टॉपिक है ये। एक हमें अच्छी रेंज का ठीक ठाक वेब कैम अगर अपनी कार में इंस्टॉल करना है तो आप ये वाला ब्लाइंडली ले सकते हैं, काफ़ी रिसर्च करके मैं लेके आया हूँ। सो इसमें आपको सारी जो इसकी चीज़ें हैं वो देखी सकती हैं, यहाँ पे सिंपल हमारा प्लग एंड प्ले चार्ज वाली चीज़ है। अगर आपको कोई भी पार्ट वीडियो में समझ ना आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको पर्सनली DM करके भी बता दूंगा कि कैसे लगाना है। और अगर आपको वीडियोस ऐसी और जाननी है तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, इस पे ऐसा बहुत सारा कंटेंट आता है। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की एक हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं उसकी मॉडिफिकेशंस वगैरह देखने के लिए। सो गाइस, ये क्यूबो का जो कैमरा है, अगर आप एक देख रहे हैं डैश कैम खरीदने के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है, आप इसको परचेज़ कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।